हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीपिका मेडिटेशन पावर। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा आज का विषय है नकारात्मक सोच या नेगेटिविटी। नकारात्मक सोच क्या है? यह एक विचार है, एक भावना है। जब नेगेटिव विचार आपके मन में आते हैं तो इससे आपको स्ट्रेस होता है और आपकी प्रोग्रेस पर भी असर पड़ता है, क्योंकि आप हर चीज़ को उस समय नेगेटिव वे में लेने लग जाते हैं। फ्रेंड्स, हम सबकी लाइफ एक गाड़ी की तरह है और इस गाड़ी का शीशा हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारा नज़रिया है। बचपन में तो यह शीशा बिल्कुल साफ होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे आसपास की वजह से, हमारे वातावरण की वजह से, हमारे अपनों की वजह से, हमारा खुद के बारे में विश्वास बदलता रहता है। बचपन में शीशा साफ होता है, जब आपने चलना सीखा होगा तो आप ना जाने कितनी बार गिरे होंगे, फिर उठे, फिर गिरे, फिर उठे, पर आपने हार नहीं मानी, क्योंकि उस वक्त आपने किसी को दोषी नहीं माना था। आपको खुद पर विश्वास था, परंतु जब आप बड़े हुए, लोगों की बातों का आप पर असर होता गया, आसपास के नकारात्मक माहौल का असर होता गया, लोगों की बातों ने आपके अंदर नेगेटिविटी भर दी, बट आपको इस नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए खुद से प्रयास करना होगा, खुद से वादा करना होगा कि आप नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव एनवायरनमेंट से खुद को दूर रखेंगे और खुद के अंदर पॉजिटिव थॉट और सेल्फ कॉन्फिडेंस लाएंगे। दोस्तों, छोटी छोटी बातों को करके हम अपनी ज़िंदगी से नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। कुछ छोटे छोटे कदम आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मुस्कुराते रहें, अपने फेस पर स्माइल रखें। इससे होगा यह कि अगर आप किसी वजह से दुखी हैं, परेशान हैं, तो आपकी वजह से किसी और को प्रॉब्लम नहीं होगी और इस तरह आप एक पॉजिटिव पर्सन बन जाएंगे। सकारात्मक लोगों के ग्रुप में जाएं, ऐसे लोगों से मिलें जिनसे मिलकर आपको खुशी होती है, आपको अच्छा लगता है और आपको कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा संगीत सुनें, अपनी समस्याओं पर ध्यान ना दें बल्कि उनके सॉल्यूशन पर ध्यान दें कि उन समस्याओं को आप किस तरह से दूर कर सकते हैं। बार बार नेगेटिव बात ना करें, बार बार अपने मन में नेगेटिव विचार ना लाएं, प्रयास करते रहें, अच्छे इंसान बने, जिम्मेदार नागरिक के साथ अच्छे इंसान बने, दूसरों की मदद करें, लाचार लोगों की
बेबस लोगों की मदद करें, इससे आप ना केवल एक अच्छे इंसान बनेंगे बल्कि जिस इंसान को आप बचाएंगे या जिसकी आप मदद करेंगे उसकी निगाहों में आप बहुत ऊंचे उठ जाएंगे और आप एक अच्छे इंसान होने का फर्ज अदा करेंगे। नकारात्मक शब्दों का उपयोग छोड़ दें, ना तो किसी को नकारात्मक बोलें और ना ऐसे लोगों के साथ आप रहें। प्रेरणादायक विचार पढ़ें, अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छी बुक्स के साथ साथ आप अच्छे लोगों से मिलें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से आपके मन में आने वाले नेगेटिव विचारों पर कंट्रोल होगा और आपका मन शांत होगा, आपको स्ट्रेस नहीं होगा। दोस्तों, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक बहुत ही पुराने उपन्यासकार हैं, रिचर्ड हुकर। उन्होंने जब अपना उपन्यास, पहला उपन्यास शुरू किया था, तो वह दिन रात एक कमरे के अंदर बंद रहते थे और सिर्फ लिखते रहते थे, किसी से मिलते तक नहीं थे। और अंत में जब उनका उपन्यास पूरा हो गया तो वह प्रतिष्ठित प्रकाशक प्रकाशक के पास गए और उन्होंने बोला कि मेरा जो उपन्यास है आप प्रकाशित कर दीजिए। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और बोला कि इस उपन्यास को कोई नहीं पढ़ेगा और इसे तुम रद्दी की टोकरी में फेंक दो। ऐसा सुनने पर रिचर्ड हुकर के माइंड में नेगेटिव विचार आने लगे। उनके मन में सकारात्मक और नकारात्मक विचारों में जंग शुरू हो गई। एक दिन उनका मन ये कहने लगा कि मेरा उपन्यास शायद कभी प्रकाशित नहीं होगा। परंतु वह एक दिन इस भावना को दबाकर धीरे धीरे स्वर में बोलना उन्होंने शुरू किया कि ना केवल यह उपन्यास प्रकाशित होगा बल्कि पूरी दुनिया इसे पढ़ेगी। उन्होंने अपने नकारात्मक विचार को दबा दिया और वह 21 प्रकाशकों के पास गए जिन्हें उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। परंतु उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा और एक प्रकाशक ने उनकी पुस्तक को प्रकाशित किया और वह पुस्तक बहुत ही फेमस हो गई और वह बेस्ट सेलर की श्रेणी में आ गई और उस पर एक सफल फिल्म भी बनी और एक सफल सीरियल भी बना। ये बहुत ही छोटा सा उदाहरण था। उनकी पुस्तक का नाम था माश, MASH। उन्होंने हार नहीं मानी क्योंकि उन्होंने अपने नेगेटिव विचारों को दबा दिया, उसकी जगह उन्होंने अपने पॉजिटिव विचारों का उपयोग किया। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे कूल, स्टे फिट, कीप स्माइल ऑलवेज। थैंक्स फ्रेंड्स।